हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे पार्ट 3 क्यूब एंड क्यूब रूट वीडियो में। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि 1 से लेके 10 तक क्यूब आपको लर्न करने हैं। देन ये वीडियो है 8 बेसिस पे, तो इसको 6th और 7th वाले बच्चे भी देख सकते हैं बिकॉज उनके भी ये चैप्टर आते हैं। बस उनका क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे 8th क्लास की बात करें तो 8th क्लास में बोर्ड लेवल पे पहले क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे ही ऐसा क्वेश्चन आता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 343। तो कल आपने अगर लर्न किए हैं तो यू नो अबाउट इट, कौन सा ऑप्शन होगा कि क्यूब रूट ऑफ 343 का क्यूब रूट कितना होगा? 7। आफ्टर देन सेकेंड क्वेश्चन और देखते हैं, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 9। तो 9 की क्यूब कितनी होती है? तो कल आपने अगर लर्न किया है तो यू नो अबाउट वेरी वेल, 7 to 9 इज क्यूब ऑफ 9। तो ये पहले जो क्वेश्चन आता है वो आते हैं ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आएंगे 8th क्लास में इसी चैप्टर से। तो ये आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब तो लर्न करना ही है। आफ्टर देन 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वी मल्टीप्लाई 500 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये है 500 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो पहले सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा 500 का। तो मैंने यहाँ पे पहले ही कर रखा है कि 500 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 250। देन आफ्टर अगर फिर से इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 125। 125 में 5 का डिवाइड किया 25, 25 में फिर 5 का डिवाइड किया 5, और 5 में 5 का डिवाइड कर दिया 1। सो आपको पता लग ही गया होगा कि 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया है इससे वो थिंग आई है, 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब क्यूब में क्या होता है कि सारे जो होते हैं वो 3 के पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे 5 3 टाइम आ रखा है, 5 तो यहाँ पे देख लिया, 2 टाइम यहाँ गया, 1 टाइम यहाँ गया, तो 3 टाइम है। 2 कितने टाइम आया है यहाँ पे? ओनली 2 टाइम ही आया है। मतलब हमें एक किसकी ज़रूरी पड़ेगी? हमें एक एक्स्ट्रा 2 की ज़रूरी पड़ेगी। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया? 2। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेस करने के बाद में इसमें लास्ट में लाइन में राइट कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 2, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट 500 देन वी गॉट परफेक्ट क्यूब। और अगर ये परफेक्ट क्यूब पूछ ले कि परफेक्ट क्यूब क्या आएगी, तो हम 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन गया? 1000। अगर इसने परफेक्ट क्यूब पूछा होता कि परफेक्ट क्यूब क्या बनेगी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करने पे, तो आंसर आता 1000। बट इसने स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है और स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछते हैं कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करते ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, देन आंसर इज 2। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्मॉलेस्ट नंबर वी डिवाइड 648 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। कि 648 को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब आ जाए? देन सबसे पहले 2 का डिवाइड अगर 648 में किया तो 324 दिख रहा होगा आपको। फिर 2 का डिवाइड इसमें किया तो 162 आ गया। 162 में फिर से 2 का डिवाइड किया 81। 81 में 3 का डिवाइड कर दिया 27। 9 3 3 जा 1। तो यहाँ पे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या मिल गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में राइट कर देता हूँ, या नीचे देख लीजिए आप, नीचे भी राइट किया हुआ है, मैं थोड़ा सा साइड में राइट कर देता हूँ इसको। तो हमारे पास आ गया 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 × 3। तो हमारे पास पेयर देखते हैं, क्या 2 का पूरा पेयर है हमारे पास? 2 3 टाइम है यहाँ पे, तो 2 का पेयर तो बन चुका है। हम 3 का पेयर देखते हैं, क्या 3 3 टाइम में आ गया यहाँ पे? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बच गया? ये एक्स्ट्रा बच गया यहाँ पे, ये वाला 3। इसका मतलब इस 3 को हमें यहाँ से हटाना है, डिसअपेयर करना है, गायब करना है। इसका मतलब इस नंबर को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? डिवाइड ऊपर वाले नंबर में तो एक एक्स्ट्रा ऐड करना था, तो 2 हमारे पास 2 टाइम था। जैसे अब साइड देख लेते हैं तो 2 हमारे पास 2 टाइम था, ये रहा। देन आफ्टर हमें एक 2 एक्स्ट्रा जरूरी पड़ा, तो हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें चाहिए नहीं, हमें इसको हटाना है। तो इसको किस नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा? इसको हमें 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर बन जाएगा वो 3 बन जाएगा। अगर हमें इसको पूछ लिया जाए कि परफेक्ट क्यूब क्या बनेगी, तो हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रही बात 648 की। आफ्टर देन हम बात करते हैं कि फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ
117649 बाई एस्टिमेट मेथड। तो ये मैंने कल ही बताया था आपको, एक मिनट मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। एस्टिमेट मेथड मतलब शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया था कल कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ये नंबर है, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने बताया था कि हमें 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। 3-3 के पेयर बना लिए हमने, तो सबसे पहले कल एक बात बताई थी मैंने कि अगर 9 आता है तो 9 की जगह, अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन में 9 है तो 9 की जगह कितना रहता है यूनिट डिजिट में, 9 रहता है। आफ्टर देन 117 किसके किसके क्यूब के मिडिल में है, तो आप बताइए किस किसके मिडिल में है। क्या 125 और 64 दोनों क्यूब हैं, इन दोनों के मिडिल में है, तो हमें 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, दोनों के मिडिल में है तो हमें अपसाइड वाला लेना है, तो 4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ पे 4 लेना है, तो 49 इज आवर आंसर। बस इसको आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में राइट करना है, थोड़ा सा इसमें लिखना है हेयर टू पेयर आर 649 एंड 117, सो द यूनिट डिजिट इज 9, क्वेश्चन यूनिट डिजिट इज 9, देन द यूनिट डिजिट ऑफ आंसर इज ऑल्सो 9 बाय द रूल, जो मैंने रूल लिखा रखे हैं, बिकॉज 9 का क्यूब 729 होता है, तो यूनिट डिजिट 9 आती है। आफ्टर देन 117 इज ग्रेटर देन 64 एंड स्मॉलर देन 125, इट मीन्स 4 के क्यूब से बड़ा है एंड 125 के क्यूब से, वो 5 के क्यूब से छोटा है, देन वी सेलेक्ट द 4, तो 49 इज आवर आंसर। तो ये दो स्टेप में इसको कंप्लीट कर देंगे। देन आफ्टर सिक्स क्वेश्चन, फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 1728 बाई, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, दोनों में क्यूब रूट ही फाइंड करना है हमें, बट दोनों के मेथड चेंज है। ऊपर वाला एस्टिमेट मेथड जो मैंने बता दिया है, अब 1278 का देखते हैं, 1278, तो 1278 की बात करेंगे तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सोल्व करना है। सो इसमें 2 का डिवाइड हमने यहाँ पे कर रखा है, 2 का डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 का डिवाइड गया तो 864, वी गोट द 864। आफ्टर दैन अगेन 2 का डिवाइड किया तो 432, ये डिवाइड करते करते हम इसको पूरा 1 तक, जब तक एक 1 गोट नहीं हो जाता तब तक हम इसमें डिवाइड करते रहेंगे। आफ्टर दैन हम देखेंगे, इसमें मैं साइड में नहीं राइट कर रहा हूँ, यहीं से बता रहा हूँ कि इसमें पेयर बनाते हैं, तो 2 का पेयर यहाँ पे 3 टाइम है, फिर से अगेन 2 का पेयर आ गया, फिर 3 का पेयर आ गया, इसका मतलब अगर सारे पेयर हैं इसके अंदर तो ये परफेक्ट क्यूब तो है। अब इसके अंदर अगर इसका हमें क्यूब रूट पता करना हो, अगर हमें इसका क्यूब रूट पता करना हो, देन यहाँ से एक 2 बाहर ले लेंगे, इनसे एक 2 बाहर आ जाएगा, इनसे एक 3 बाहर आ जाएगा, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सो आवर आंसर इज 12, सो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। तो इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है 8th स्टैंडर्ड में, अगर 7th और 6th स्टैंडर्ड में इससे अलावा कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनका अलग वीडियो हम बना देंगे। ओके, थैंक यू।